नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकास सर ऑफिशियल में। साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई केंद्रीय योजना की शुरुआत की है देश में, जिसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। और ये जो योजना है वो विश्वकर्मा समुदाय की जातियों के लिए शुरू की गई है। पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता देने के लिए केंद्रीय योजना है। हालांकि इसकी जो जिक्र है वो 2023-24 के बजट में निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है उसने किया था, लेकिन अभी लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया उसमें इसकी जो विस्तृत है चर्चा की थी। चलिए जानते हैं क्या है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसमें किसको लाभ मिलेगा, कौन कौन इसके पात्र होंगे, योजना के मुख्य बिंदु क्या हैं, पूरी की पूरी जो जानकारी है वो समझते हैं। ये जो योजना है दोस्तों, इसमें 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है इस योजना में। और इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता देना है, आर्थिक सहायता। 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल होंगे विश्वकर्मा योजना में, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में। शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के जरिए पहचान मिलेगी, यानी जो भी विश्वकर्मा समुदाय के लोग हैं, जितने भी शिल्पकार या कारीगर हैं, उनको एक आईडी कार्ड जारी किया जाएगा जिसके तहत उनको पहचान मिलेगी। पहले चरण में 1,00,000 रुपये तक की और दूसरे चरण में 2,00,000 रुपये तक की सहायता केवल 5% ब्याज दर पर मिलेगी। योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण, टूल किट लाभ, डिजिटल लेन देन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग जो स्पोर्ट्स है वो दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इस योजना में, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में किस किस को लाभ मिलेगा। इसमें जो कारीगर हैं, जैसे कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया, खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले, ये सारे के सारे जो कारीगर या शिल्पकार हैं इनको इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिसको नाम दिया गया है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो दोस्तों, बड़ी बात है, बड़ी अपडेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बनाई है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो विश्वकर्मा समुदाय के लोग हैं, जो जिसमें शिल्पकार और कारीगर आते हैं, उनको आर्थिक सहायता देना ही इस योजना का मुख्य लक्ष्य होगा। और ये जो कैबिनेट से भी पास हो चुकी है 16 अगस्त 2023 से, इसमें 13,000 करोड़ रुपए का जो बजट का प्रावधान है वो रखा गया था 2023-24 के बजट में, और 1,00,000 रुपये तक की और दूसरे चरण में 2,00,000 रुपये तक की सहायता केवल 5% की ब्याज दर पर ही विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों, बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी योजना की शुरुआत की है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।